से बात, कुछ लोग कहते हैं कि वली अल्लाह से दूरी बनी बनी वो आपको माँ बाप या दुनिया की दौलत से दूर। बड़ी इम्पोर्टेंट बात बात कहना चाहूंगा मुलायम रहे। एक तो बार 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 चैलेंज के साथ साथ अर्ज कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि जो इंसान पीर से वली से मोहब्बत ना रखा रहे, ना तो दुनिया का आलिम बन सकता है, ना तो दुनिया का आलिम बन सकता है, ना वो दीन का आलिम बन सकता है, ना कभी अल्लाह का महबूब बन सकता है। और अपने आप पे फक्र करता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो वली अल्लाह के जिक्र सुनना पसंद नहीं करें, पर उन्हें मालूम नहीं कि हिंदुस्तान के टुकड़े पर जीने वाले मुसलमान तुम पर एहसास वली का, आज तुम अपने आप को मुसलमान कह रहे हो, उसका सबूत ये है कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर के सरजमीं पर नहीं होते तो हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं होता। गौर से सुनेंगे, वो तो ख्वाजा गरीब नवाज है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मौलवी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान वली अल्लाह से बुग्ज़ रखे, जो इंसान वली अल्लाह से दुश्मनी रखे, अल्लाह ताला उससे ऐलान जंग करे, और जिससे खुदा ऐलान जंग करे, क्या वो दुनिया का आलिम हो सकता है? तरक्की बोलिए सुभान अल्लाह। आप सोचे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, और शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने मिनहाजुस सबी के हदीस की अनाउंसमेंट किया। हदीस बयान है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे, कह रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है जो मेरे किसी वली से बुग्ज रखे, दुश्मनी रखे, अल्लाह उससे ऐलान जंग करता है। तो आप सोच के देखो कि अल्लाह जिस इंसान से ऐलान जंग करेगा, क्या वो दुनिया का आलिम बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। आइए हदीस के दूसरे जाने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि कोई बंदा मेरा करीब नहीं पाई। पहले हदीस सुने आप, हजरत अबू हुरैरा उससे पहले सुने कि जब इंसान, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को महबूब बंदा बनाता है तो पता है जिब्रील अलैहि सलाम को बुलाता है, बुला कर कहता है, ए जिब्रील मैं फलाने शख्स बड़ा प्यार करता, मोहब्बत करता हूँ, खुदा हमसे जब इश्क करता है, मोहब्बत करता है, तो वो जिब्रील अली सलाम को बुलवाता है और कहता है जिब्रील अली सलाम मैं फला बंदे से बड़ा प्यार करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। बस बस जिब्रील अली सलाम उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं, फिर अनाउंसमेंट कर देते हैं जमीन वालों से, आसमान वालों से, पहाड़ों से, समुद्र के लहरे से, ऐ कायनात के जर्रा जर्रा चीज, खुदा इस बंदे से बड़ा मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत कायनात के जर्रा जर्रा चीज उससे मोहब्बत करो। आगे आगे फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि मेरा कोई बंदा ऐसे इबादत के जरिए मेरा करीब नहीं पाई। मेरा कोई बंदा जो मुझे फराइज से ज्यादा महबूब हो, और मेरा बंदा नफले इबादत के जरिए बराबर मेरा करीब हासिल करता रहता है, यानी करीब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो उसका कान बन जाता है। मैं किसी बंदे से अगर मोहब्बत करता हूँ तो उसकी आंख बन जाता है,
खुदा अनाउंस नहीं कर रहा है कि मैं किसी बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसका पैर बन जाता हूँ, मैं किसी बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो उसका हाथ बन जाता हूँ, जिस हाथ से वो पकड़ता है, जिस कान से वो सुनता है वो कान मैं बन जाता हूँ। अल्लाह इस तरीके से फरमा रहा है कि जो महबूब बंदा मेरा बन जाता है मैं उससे इतना मोहब्बत करता हूँ कि जो उसकी हाथ होती है वह हाथ उसके ऊपर की हाथ मेरी हो जाती है, उसके जो जिसे वो कान से सुनता वो कान उसका नहीं वो कान मेरा हुआ करती है। वो जबान जिस जबान से बोला करते हैं लोग, जो अगर वो अल्लाह के महबूब बनता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका जबान बन जाता है। पता ये जो वली अल्लाह है उसकी जबान खुदा की जबान है, उसकी कान खुदा की कान है, उसका हाथ खुदा का हाथ है, उसका पैर खुदा का पैर। दुनिया का कोई आलिम दीन आपसे ये अनाउंसमेंट करे कि आप वली अल्लाह से दूर हो, समझ लेना वो खुदा से दूर करना चाहता है। तो शैतान इबलीस मर्दूम आप वली अल्लाह के इश्क में ना डूबो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वली अल्लाह की आंखें उनकी नहीं हुआ करती बल्कि खुदा की आंखें हुआ करती है। वली अल्लाह की ज़बान उनकी ज़बान नहीं बल्कि खुदा की ज़बान हुआ करती है। तुम्हें मालूम नहीं कि वली अल्लाह जिस पैर से चलते वो पैर उनकी नहीं बल्कि खुदा की पैर। और जो इंसान वली अल्लाह से दूर रखने की बात तो आप ये समझ लेना कि वो शैतान है, वो मर्दूद है, वो इब्लीस है। तो मेरे आका खुद इरशाद हदीस के अंदर जो इंसान वली अल्लाह से बुग्ध करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे ऐलान जंग करता है, ऐलान जंग करता है। बड़ी गौर करने की बात है, प्यारी बात मैं कह रहा हूँ आपने समाज करनी है। जो अल्लाह के करीब कोई इंसान बन जाता है हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा शान वाला है, बड़ी अजमत वाला है, वो सब कुछ अता करता है। फिर हम लोग जो जाते हैं दरगाह पे और कहते हैं मौला मौला परेशानी को दूर कर दे, तो जिस कान से मेरी आवाज को सुना जाता वो डायरेक्ट खुदा के कान हुआ करता है। खुदा अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है, अगर बड़ा प्यार करता है तो मेरी गुनाहों को माफ कर देता है और मेरी मुराद